मेरा नाम है श्वेता और शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में। मैं हमेशा सोचती थी कि मुंबई के इस शानदार होटल के कमरे कैसे होंगे, यहाँ का खाना कैसा होगा और यहाँ से क्या शानदार नज़ारे दिखेंगे। आप भी यही सोच रहे हैं ना, तो चलिए इस वीडियो में इस होटल का अनुभव करते हैं। ताजमहल पैलेस होटल की खास बात यह है कि ना सिर्फ ये मुंबई की सबसे प्रसिद्ध होटल है, पर जब भी कोई बड़े सेलिब्रिटीज मुंबई में आते हैं वो इस होटल में भी एक बार तो ज़रूर जाते हैं। हर वो यात्री जो मुंबई आता है इस होटल को बाहर से और अंदर से देखना चाहता है, और क्यों नहीं, इसका आर्किटेक्चर ही ऐसा है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि यहाँ का कमरा कैसा है। ये ताजमहल पैलेस बिल्डिंग का कमरा है, नई बिल्डिंग को ताजमहल टावर कहते हैं। कमरे में अंदर घुसते ही दाई तरफ बैग्स रखने की जगह है और बाईं तरफ है बाथरूम। बाथरूम बहुत ही शाही है, पूरे मार्बल से बना हुआ है और इसमें इतना बड़ा बाथटब भी है। ये बड़ी सिंक एरिया है जो एक मिनी टब के जैसे लगती है, और ये टिश्यू रखने वाला बॉक्स भी मार्बल से बना है। शावर के लिए एक अलग कंपार्टमेंट है, और यहाँ जो शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी लोशन है वो फॉरेस्ट एसेंशियल्स ब्रांड के हैं। बाथरूम से बाहर आते ही कबर्ड है, और यहाँ पर सेफ और इस्त्री और ये सब है, और बड़ा सारा आईना भी है जहाँ आप अपने आप को बढ़िया से देख के तैयार हो सकते हैं। अब चलते हैं मेन बेडरूम की तरफ, और ये है लग्जरी ग्रैंड सी व्यू रूम, और इसकी प्राइस शुरू होती है 18,000 रुपये एक रात से। रूम में बहुत ही आरामदेह बेड है, साइड टेबल और एक बढ़िया स्टडी टेबल के साथ चाय का काउंटर है, और यह है मेरी फेवरेट जगह, चिल करने वाली एरिया, और पीछे शानदार व्यू। मुंबई के मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू ताज के कई कमरों से मिलता है। इस व्यू के साथ कमरे में दिए गए स्नैक्स सोया स्टिक्स और पोहा चिवड़ा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो मजा ही कुछ और है। डिनर में मैंने ट्राई किया यहाँ का पिज्जा और पनीर काथी रोल। ये खाना मैंने अलग से मंगवाया है, और इसके चार्जेस रूम के भाड़े में नहीं होते, ये अलग से देने पड़ते हैं। रूम में एक चीज जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि फ्री में है वो है मैक्रोन्स और चॉकलेट वाली बादाम और काजू, और ये मैंने बहुत इंजॉय किए। रात में गेटवे का मजा कुछ और ही है, और ताज की बिल्डिंग भी कितनी सुंदर लगती है नहीं। और ये है अंदर की लॉबी एरिया, और ये पूल साइड की जगह, और ये जो सारे दिए हैं शाम में इन्हें जलाने की एक सेरेमनी जैसे करते हैं, पर अभी कोविड के टाइम पे वो नहीं कर रहे। और ये लाल कार्पेट वाली सीढ़ी जो इतनी ग्रैंड लगती है, वाकई एक महल वाली फीलिंग आ जाती है। अब चलिए यहाँ के ब्रेकफास्ट बूफे का टूर लेते हैं। बूफे मेरे रूम के प्राइस में ही आ गया, मुझे इसके लिए अलग से कुछ नहीं भरना पड़ा। यहाँ का हाई टी बूफे जो सी लाउंज में होता है, मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ शाम की चाय और एक बहुत ही सुंदर वातावरण एंजॉय किया मैंने कुछ टेस्टी स्नैक्स के साथ। वो वीडियो आप वाकई बहुत एंजॉय करेंगे, तो उसे जरूर देखें। ताज में काफी रेस्टोरेंट्स हैं, और उनमें से एक है गोल्डन ड्रैगन जो अपने चाइनीज क्विजीन के लिए बहुत फेमस है। Oh, 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 oh
यहाँ मैंने एंजॉय किए सूप, नूडल्स और एक खजूर से बनी हुई स्वीट डिश आइसक्रीम के साथ। ये वही पूल एरिया है जो मैंने आपको रात में दिखाया था, दिन में तो ये और भी सुंदर लगता है। तो ये था ताजमहल पैलेस होटल का टूर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो को इंग्लिश में देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।